ठीक, शुरू करते हैं हमारा नया टॉपिक। क्या नाम था? खनिज। मध्य प्रदेश में बात करें खनिजों की, मिनरल्स की, तो उसमें हमें देखना है कि किस तरीके के मिनरल्स होंगे, खनिज होंगे वो पाए जाएंगे। उसके साथ साथ में जो मुख्य रूप से पाए जाएंगे, जिनकी विशेषता मध्य प्रदेश का देश में प्रथम स्थान होगा, उनको हम थोड़ा डीपली देखेंगे। उसके साथ साथ में जो खनिज होंगे उनका नाम खनिजों का, और उसके साथ उसकी लोकेशन, यही चीजें हमें याद रखना है इसमें। कोई डाउट? स्टार्ट करें। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है उससे पहले आपके लिए कि आप जो मध्य प्रदेश पटवारी स्पेशल बैच पढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ में अन्य परीक्षाओं की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप बैंकिंग सेक्टर, उसके साथ साथ में पीएससी हो, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको बेस्ट प्लेटफॉर्म हमने ला के दिया है, क्या नाम है उस टाइप का, बीएससी इंस्टीट्यूट। तो मिलेगा कहाँ से ये? प्ले स्टोर पर जाइए, बीएससी इंस्टीट्यूट आप जैसे ही डालेंगे तो इस तरीके का एक लोगो सामने बन के आया, और इसको हमने क्या किया, 60-70 MB खर्च करके डाउनलोड किया। फिर क्या होगा इसमें आगे कि अलग अलग तरीके के जो कोर्सेस होंगे उसकी विंडो ओपन होके आएगी, और उसी में से आपको क्या मिलेगा, एक मध्य प्रदेश। मान लीजिए कि अभी जैसे पटवारी का ये बैच है, तो आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, तो एक विंडो में जैसे ही ओपन करेंगे उसको, पटवारी स्पेशल बैच लिख के आएगा, समझ में आ रहा है? उसको देखेंगे, उसमें डेमो क्लासेस होंगी। उसके बाद क्या करना है हमें कि जैसे ही हमने उसको ओपन किया तो नीचे आएगा ये लाल बड़े बड़े अक्षरों में ट्रिपल लाइन बने, अकाउंट में चेक करना है कि है कि नहीं, और अगर है तो फिर क्या करना है, इसको सीधा परचेस करना है, समझ में आ रहा है? सिर्फ सिर्फ 999 हमें आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस पीएससी का विद इन 3 मंथ, परीक्षा के कम से कम 20 दिन पहले, बार बार बोलता हूँ मैं, कंप्लीट सिलेबस आपको तैयार मिलेगा। उसमें इंग्लिश, मैनेजमेंट, जीके, मैथ, रीजनिंग और ऑल ओवर जितने भी सिलेबस हैं सब कंप्लीट विद कंप्यूटर चलाए जाएंगे। उसके साथ टेलीग्राम चैनल, अब हमने जो पढ़ा है ऑनलाइन वो कहाँ मिलेगा मटेरियल पूरा, टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ के रूप में। तो ये टेलीग्राम चैनल पर भी आपको इसको सर्च करके रखना है। उसके बाद SSC CHSL का जो बैच है, रिसेंटली कुछ ही दिनों में ये आने वाला है, तो ये बैच भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। दूसरा है पटवारी टारगेट बैच, टारगेट बैच अभी हम चला ही रहे हैं इसमें। और नेक्स्ट आता है प्रबंधन मैनेजमेंट, ये नया सब्जेक्ट है हमारे लिए, तो इस पर पकड़ होना जरूरी है, हमारे लिए नहीं सबके लिए नहीं, नया सिलेबस है वो, बाकी इंग्लिश, MP, GK ये सब तो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट है ये ओनली ऑन 199 रुपये में आप चाहें तो उसको अलग से परचेज कर सकते हैं, अगर आपका और अदर जो सब्जेक्ट है वो पहले से पढ़ा हुआ है, सिर्फ आपको मैनेजमेंट की अगर तैयारी करनी है तो 199। अब आते हैं हमारे टॉपिक पे, क्या नाम था, खनिज मिनरल्स मध्य प्रदेश, या कह सकते हैं खनिज और मध्य प्रदेश, समझ में आया? इन दोनों के बीच में जो पारस्परिक जो संबंध है उसको हमें देखना है। अब संबंध कैसा होगा, संबंध ऐसा होगा कि मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का वो हिस्सा जहां पर ये पाए जाएंगे तो उससे मध्य प्रदेश को क्या लाभ होगा, ये चीजें हमें देखनी है। तो सबसे पहले बात करें तो मध्य प्रदेश में लगभग 25 प्रकार के क्या पाए जाते हैं, खनिज। मध्य प्रदेश में लगभग 25 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिनमें से कुल 20 प्रकार, हो सकता है ये आंकड़ा एक दो ऊपर नीचे हो, लेकिन कुल 20 प्रकार के जो खनिज हैं उनका उत्पादन होता है। अब साहब 5 प्रकार के क्यों छोड़े, क्वेश्चन ये बनता है, 20 जब 25 है तो 20 क्यों निकाल रहे हो? अब जो वो 5 प्रकार के खनिज हैं उनमें जो निकालने का या उत्पादन का जो काम है अभी नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि उनकी या तो रिसेंटली अभी खोज की गई है या हमारे पास पर्याप्त साधन नहीं है उनको ठीक तरीके से उत्खनन करने के लिए। खनिज क्या होते हैं, सबसे पहले डेफिनेशन हमें समझना जरूरी है, क्या होगी खनिज की डेफिनेशन, कोई बता सकता है? मैं तो फिर हूं ही बताने, बताइए किस चीज को आप खनिज कहोगे? चलो ठीक है, कोशिश तो की, थोड़ा ठीक गए, और कोई बताएगा? बताइए,
देखो आपने सही कहा कि मिश्रण होता है कई चीजों का, लेकिन एक शब्द आपने गलत प्रयोग किया है, वो है धातु। धातु शब्द आपने गलत प्रयोग किया। आप मान लीजिए रॉक फॉस्फेट है, चूना पत्थर है, क्या उसको आप खनिज नहीं मानोगे? मानेंगे, लेकिन उसमें धातु कहाँ है? नहीं है ना, मेटल है क्या? नहीं है। तो आपने सब एक सिंपल सी डेफिनेशन बनाते हैं ज्यादा दिमाग ना लगा करके, वह चीज या वह महत्वपूर्ण चीज जो हमें किसी ना किसी रूप से कहां से मिलती हो, पृथ्वी से। अब वो पृथ्वी के अंदर हो सकती है या उसमें दबी हुई, किसी भी रूप में जो हमें कहां से मिलती हो, कहां से प्राप्त हो, पृथ्वी से प्राप्त हो, और उसकी कीमत कैसी हो, कीमती हो, मूल्यवान हो, उसे हम क्या कहेंगे? खनिज कहेंगे। क्लियर? अब उदाहरण रखते हैं हीरा, ठीक है, लोहा, बॉक्साइट, एल्यूमिनियम, रॉक फॉस्फेट, संगमरमर, ये सब क्या है? खनिज है। कहां से मिल रहा है हमें? हमारी पृथ्वी से ही मिल रहा है, प्राकृतिक संसाधन है हमारे। समझ में आ रहा है? तो मध्य प्रदेश में कितने हैं? 25 प्रकार के। उत्खनन कितना हो रहा है? 20 प्रकार के खनिजों का उत्खनन हो रहा है। मध्य प्रदेश की पहली खनिज नीति 1995 में बनाई गई। कब बनाई गई? 1995 में, तथा नवीन खनिज नीति का निर्माण हुआ 2010 में। समझ में आ रहा है? 2010 में नई खनिज नीति बनी, 1995 में क्या बनी? पहली खनिज नीति। अब खनिज नीति का मतलब क्या होगा कि भाई एक डिपार्टमेंट होगा, एक सरकार एक पॉलिसी बनाएगी, उस पॉलिसी के थ्रू जो खनिज उत्पादन जो क्षेत्र होंगे उत्पादन वाले, उनको चिन्हित किया जाएगा। वहां पर ये पैरामीटर तय किए जाएंगे कि अगर कोयला निकाल रहे हो तो किस मात्रा में निकालना है, कितना निकालना है, कब तक निकालना है। क्यों? क्योंकि इसको आप कहां से निकालोगे? जमीन के अंदर से निकालोगे, खदानों से निकालोगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इतना अंधाधुंध इनको निकालें कि पता चले वहां का पारिस्थितिक तंत्र, जंगल सब बिगड़ जाए। उसके बाद में इनकी सप्लाई चेन किस तरीके से इससे राजस्व वसूला जाएगा, समझ में आ रहा है? तो इन सब पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए सरकार ने क्या बनाई? अपनी पॉलिसी नीति बनाई, और उसको कब स्टेब्लिश किया? 1995। फिर उसके बाद सरकार को लगता है कि जो हम 1995 में नीति बनाए थे उसमें किसी ना किसी तरीके से और सुधार करने की जरूरत है, तो उसी नीति में सुधार करके एक और नवीन नई नीति बनाई। कब? 2010 में। राज्य खनिज विकास निगम, नाम याद रखना, राज्य खनिज विकास निगम, इसकी स्थापना हुई 19 जनवरी 1962 को, और कहां पर की गई? तो राजधानी भोपाल में। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग निगम होते हैं, इसी तरीके से खनिज संसाधन जो क्षेत्र है उसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना की 19 जनवरी 1962 को, और संसाधन उपलब्धता की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? चौथा। थोड़ा सा बात करते हैं डायरेक्टली, ये हो गया इसका बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि या इतिहास की थोड़ी सी हम देखें तो ये हुई चर्चा। अब डायरेक्टली हम लोग जाते हैं खनिजों के बारे में। तो पहला खनिज आएगा कौन सा? लोअर्स। इससे पहले हमें थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि हमें कैटेगरी पता होना चाहिए कि खनिज होते किस तरीके के हो कैटेगरी। अब जैसे इन्होंने एक, आप लोग ये गलतियां कब करते हैं? जब हम उसे क्लासिफिकेशन उसका ठीक से नहीं जानते। जैसे कि एक डेफिनेशन मुझे देखने को मिली थी कि भाई वह धातु या वह धातु या मिश्रित धातु जो हमें जमीन से मिलती है हम उसे खनिज कहते हैं। ठीक है, आपकी डेफिनेशन सही थी लेकिन पूर्णतः वो सही नहीं थी। क्यों? क्योंकि आपने उसका क्लासिफिकेशन ठीक से नहीं देखा। तो पहली चीज क्या आती है हमारी? खनिजों का वर्गीकरण। खनिजों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन अगर हम देखें खनिज का या मिनरल्स का, तो मुख्य रूप से पांच प्रकार से हमें इसको पढ़ना है। पहले खनिज जो होते हैं वो होते हैं धात्विक। पहले कौन से होंगे? धात्विक। दूसरे होंगे हमारे अधात्विक। अधात्विक, धात्विक को कहेंगे मेटालिक, नॉन मेटालिक, धात्विक, अधात्विक। थर्ड जो कैटेगरी होगी वो होगी आण्विक, या जिसे हम कहते हैं एटॉमिक। फिर आते हैं ऊर्जा खनिज। ऊर्जा खनिज फोर्थ कैटेगरी होती है खनिजों की।
मतलब वो खनिज होंगे जिनसे हमें किसी ना किसी तरीके से ऊर्जा मिलेगी। एंड लास्ट अदर, अन्य, इंग्लिश में, ये उर्दू में लिखा है ऊपर, पढ़ नहीं पाए तो बोल रहा हूं तो सुन लो, एटॉमिक, नॉन एटॉमिक, सॉरी मेटालिक, नॉन मेटालिक, एटॉमिक एनर्जी एंड अदर, ये इसका क्लासिफिकेशन है। समझ में आया? अब सबसे पहले कर रहे हैं धात्विक की बात कि धात्विक खनिज हम किसे कहेंगे। ध्यान से सुनना, डेफिनेशन जो है अपने आप से खुद बना लेना उसको। धात्विक, धातु शब्द जुड़ा है, इसका मतलब वे खनिज जिनमें किसी ना किसी प्रकार से धातुएं पाई जाएंगी उन्हें हम कहेंगे धात्विक खनिज। क्लियर है? क्या ये लिखने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है, हमने समझ लिया, डेफिनेशन तैयार। अब धात्विक खनिज की बात करें तो धातु क्या होंगे, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लोहा, एल्यूमिनियम, बॉक्साइट, तांबा या कॉपर, और भी अन्य होती हैं, बाद में देखेंगे उनको, बस आपको समझने के लिए मैंने बता दिया। तो कौन धात्विक खनिज कौन से होंगे, लोहा, एल्यूमिनियम, बॉक्साइट, तांबा, सब हमें जमीन से मिलते हैं, सब धरती से मिलते हैं, सब पृथ्वी से प्राप्त होते हैं। तो इस तरीके के खनिजों को क्या कहा जाता है, क्या बॉक्साइट धात्विक खनिज है? क्या बॉक्साइट धात्विक खनिज है? है? क्या ग्रेफाइट धात्विक खनिज है? क्यों नहीं है? क्योंकि अभी क्लासिफिकेशन बताऊंगा, धातु है ही नहीं। अब आता है अधात्विक खनिज, मतलब वो है खनिज जिसमें धातु का कोई रूप ना हो उन्हें हम क्या कहेंगे, अधात्विक। जैसे कि रॉक फॉस्फेट, चट्टानों से मिलने वाला फॉस्फेट, रॉक फॉस्फेट, चूना पत्थर, रॉक फॉस्फेट, चूना पत्थर, ग्रेफाइट, उसके साथ हीरा, इनमें धातु रूप पाया जाता है, नहीं पाया जाता, किसी भी रूप में नहीं पाया जाता, तो इन्हें कहते हैं हम अधात्विक खनिज। क्लियर है? आणविक में आता है अणु जिसमें पाए जाते हैं, उसे कहते हैं यूरेनियम। अणु से मतलब छोटे छोटे टुकड़े में बांट के एनर्जी जिससे ऊर्जा ली जाए, क्या कीमती जो धातुएं होंगी। आणविक खनिजों में कौन आता है, यूरेनियम। एंड अगला जो है हमारा ऊर्जा, वह खनिज संसाधन जिससे क्या प्राप्त की जाए, ऊर्जा प्राप्त की जाए, और ऐसा सबसे बड़ा इसका उदाहरण होगा कोल या कोयला, जला करके क्या प्राप्त किया जाता है, एनर्जी। नेक्स्ट आता है अन्य। अब अन्य की बात करें हम लोग तो इसमें आएंगे स्लेट, पढ़े हो स्लेट से, पढ़े हो, आती थी ना ब्लैक कलर की, वो नहीं, वो दिखाती थी ना कलर पेंट करके दे देते, वो नहीं, पत्थर वाली जो स्लेट आती थी, देखिए, ठीक है। तो स्लेट, संगमरमर, अब इसमें रंगीन संगमरमर भी होता है, उसके साथ ब्लैक संगमरमर या ब्लैक मार्बल भी होता है, अब वो जितने भी हो, ठीक है। और इसके साथ में जो भी अन्य अदर देखेंगे, चूरमा वगैरह, ये सब, ये किसमें आते हैं, चूरमा भोपाली, पृथ्वी से ऊपर कैसे मिल जाएगा, हाँ सब ये धात्विक खनिज सब अंदर होते हैं, ये भी, अब एक ही चीज में कितनी बार बताऊंगा, वैसे ही ये इतनी, हाँ चूरमा नहीं जानता, काजल जानता, काजल कहाँ लगाते हैं, सुरमा को भी आंखों में लगा, हाँ वही सुरमा, लकड़ी को जलाना है एक,
लकड़ी को जलाने के बाद उसका जो टुकड़ा बचेगा काला वाला, उसको ऐसे रगड़ना पत्थर पे, पानी डाल के थोड़ा सा उसमें जो ब्लैक ब्लैक आया उसको लगा लेना, डुप्लीकेट सूरमा। क्या यूरेनियम 295? ठीक है, अब जैसे एक बात बताना, लोहे को हेमेटाइट क्यों कहा जाता है, लोहे को मैग्नेटाइट क्यों कहा जाता है, लोहे को डोलोमाइट क्यों कहा जाता है? कैटेगरी होती है ना, आप इंसान हो, आपका क्या नाम है, है? तो भी क्या था? मैं इंसान हूँ, मेरा क्या नाम है पता नहीं होगा, विक्रम नाम है। ठीक है, तो रूपी हूँ ना, वो तो इंसान ही, लेकिन उसके क्या है अलग अलग प्रकार। जब हम आवर्त श्रेणी पढ़ते हैं ना, टेंथ छोड़ो, इलेवेंथ और ट्वेल्थ में जब क्या पढ़ते हैं, आवर्त श्रेणी पढ़ते हैं, तो उसमें देखना कई तरीके की, आप तो 235, 295 इस तरीके के बता रहे हो, कई तरीके की कैटेगरी होती है। ठीक है, अब वो कैटेगरी बेस्ड, अब जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल बताया, इसलिए बताया लोहे का, समझने में आसानी हो, जैसे कि हेमेटाइट, ये सबसे अच्छा सबसे अच्छा लोहा प्रकार में, फिर उससे अच्छा थोड़ा और उससे थोड़ा बेकार बात करें तो कौन सा होगा, मैग्नेटाइट। तो इस तरीके से है तो वो लोहा ही, लेकिन उसका क्या है प्रकार। तो इसी तरीके से यूरेनियम जो होते हैं या फिर अन्य जो धातुएं होते हैं उनके प्रकार होते हैं, उनके अयस्क होते हैं। तो आगे बढ़े, रॉक फॉस्फेट क्या हुआ, क्या ये नॉन, अच्छा कमेंट आई है, चलो हाँ ये अच्छी चीज, नॉन मेटालिक और अदर में क्या अंतर है। ठीक है, हाँ ये अच्छा प्रश्न है इनका। देखिए बेसिकली देखा जाए तो जो नॉन मेटालिक और अदर मैंने लिखे हैं, ठीक है, इनमें कोई ऐसा देखा जाए तो ज्यादा बड़ा अंतर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्यों, क्योंकि मैं क्या ये बताऊँ, इन सब चीजों को क्या मैं नॉन मेटालिक में रख सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल रख सकता हूँ पढ़ने के लिए, लेकिन क्या होता है कि नॉन अदर की और जो नॉन मेटालिक की आधार इनकी बात करें तो एक आ जाती है इनकी वैल्यू, समझ में आ रहा है, ये रेयर ऑफ रेयर जगह पर पाए जाएंगे, समझ में आ रहा है, हीरा ग्रेफाइट चूना पत्थर रॉक क्वार्ट्ज, जैसे मध्य प्रदेश में बात करें तो गिनी चुनी जगह होंगी, क्या होंगी, जहां पर नॉन मेटालिक ये जो हमारे क्या है खनिज है वो पाए जाएंगे। अब आते हैं अदर चीजें, जो अदर में मैंने रखा है, ये क्या होता है, ये आसानी से देखने को मिल जाते हैं, समझ में आ रहा है। तो ये मैंने कैटेगरी इसलिए आपको बनाई है अधात्विक और अधर की, क्योंकि इनको हमें इम्पोर्टेंस देके पढ़ना है, प्रश्न यहाँ से ज्यादा बनते हैं, समझ में आ रहा है, प्रश्न यहाँ से ज्यादा बनेंगे और कई बार बनेंगे, तो इसलिए मैंने इस चैप्टर को या इस टॉपिक को सेपरेट डिवाइड कर दिया है, ताकि इनको हम डीप में खींच सकें। और जो अदर में मैंने रखा हुआ है वहां पढ़ेंगे हम सब ऑनलाइन फैक्ट, कि जैसे स्लेट है कहाँ उत्पादन होता है, चलो भाई मंदसौर में होता है, काम खत्म, आगे बढ़ते हैं। अगला मैंने रखा संगमरमर, कहाँ मिलता है, जबलपुर ग्वालियर, काम खत्म, वहां इतना ही पढ़ना है। यहाँ हीरा कहाँ मिलता है, पन्ना में, किस जगह मिलता है वो भी देखेंगे, किस चट्टानों मिलता है वो भी देखेंगे, समझ में आ रहा है। ग्रेफाइट या चूना पत्थर कहाँ मिलता है वो जगह भी देखेंगे, किन चट्टानों में मिलता है वो भी देखेंगे, और क्या विशेषता होती है, किस तरीके के इसके प्रकार होते हैं, ये सब हमें डिटेल में पढ़ना है, इसलिए मैंने क्या किया अधात्विक और अदर कैटेगरी को डिवाइड किया, क्योंकि मैं अदर और अधात्विक को मिला भी देता तो ये काफी लंबा बन जाता, इसमें हमें समझने में फिर दिक्कत होती, समझ में आ रहा है अब समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर मैं चाहूँ तो इस तरीके से अगर मैं देखूँ तो मैं जो ऊर्जा वाला मैंने अलग से रखा है इसको भी उठा करके मैं अधात्विक में रख सकता हूँ, कैटेगरी ऊर्जा वाले को उठा के भी तो रख सकता हूँ मैं अधात्विक में। कोयला में कोई धातु होती है क्या, नहीं होती ना, कोयला में कोई धातु होती है क्या, नहीं होती, अधात्विक है तो कोयले को अलग से पढ़ाने की क्या जरूरत, इसको भी सब कहाँ पढ़ा दो, अधात्विक में पढ़ा दो, लेकिन क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें उसे ठीक से समझना है, डीप में समझना है उसको, उसके एक एक चीज को देखना है, क्यों, मध्य प्रदेश में प्रोडक्शन काफी होता है कोयले का, राजस्व काफी देता है कोयला,
तो इस तरीके से हमने उसकी अलग ही कैटेगरी बना दी, उसकी इंपोर्टेंस या जो महत्वपूर्ण उसके तथ्य हैं उनको देखते हुए। क्लियर है? आई थिंक डाउट क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं लोहे अयस्क पे। लोहे अयस्क की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान होगा? पांचवा। और कहां होगा? विश्व में, विश्व में देश में। लोहे अयस्क की उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा होगा स्थान? पांचवा। ठीक है, काफी उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये सब हमसे आगे हैं, हम पांचवें नंबर पर। ठीक है, किसके उत्पादन में? लोहे अयस्क के उत्पादन में। अब उसके बाद में क्षेत्र की बात करें तो कटनी के स्लीमनाबाद, इस जगह पर क्या होता है? लोहे का या लोहे अयस्क का उत्पादन होता है। उसके बाद मंडला का सरोही, मंडला का सरोही, बालाघाट और झाबुआ का खनवास और ग्वालियर का सतोवा पनिहार। समझ में आ रहा है? क्षेत्र याद रह जाए तो ठीक है, नहीं तो आपको जिले तो याद रखना है, कटनी, मंडला, बालाघाट, झाबुआ और ग्वालियर। ये पांच जो जिले हैं मुख्य रूप से उत्पादन करते हैं किसका? लोहे का। अगर लोहे की बात करें हम तो मुख्य रूप से लोहे के प्रकारों की, ये कई बार पूछा जाता है लोहे के प्रकार का, चार प्रकार का लोहा या लोहे अयस्क हमको देखने को मिलते हैं। सबसे जो बेस्ट कैटेगरी होती है वो होती है कौन सी? हेमेटाइट। कौन सी होती है? सबसे बेस्ट जो कैटेगरी होती है वो होती है हेमेटाइट। सेकंड नंबर पे आता है मैग्नेटाइट। दूसरे प्रकार का जो बेस्ट कैटेगरी का लोहा होता है मैग्नेटाइट। पहला कौन सा हुआ? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट एंड थर्ड होगा कौन सा? लिमोनाइट। नोट करते जाना इनको, ये लोहे की कैटेगरी होती है लिमोनाइट। कितनी कैटेगरी देखी अभी तक? कितनी देखी? तीन। कौन कौन सी? ठीक है, और सबसे जो बेकार प्रकृति का लोहा होता है उसे कहते हैं सोलेराइट। हेमेटाइट जो होगा, हेमेटाइट में याद रखना 85 से लेकर के 90% के करीब क्या होगा? लोहा होगा। मान लीजिए हमने चार प्रकार की जो चीजें जो निकाली हैं, जिनमें हमने नाम दिया है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिग्नेनाइट, सॉरी लिमोनाइट और सोलेराइट, इन चारों में सबसे ज्यादा जो बेस्ट कैटेगरी का लोहा होगा वो कौन सा होगा? जिसमें 85-90% क्या होगा? लोहा अंदर मौजूद होगा। फिर आता है मैग्नेटाइट, 70-85% इसमें लोहा होता है। लिमोनाइट जो होता है 50-70% इसमें लोहा होता है। एंड लास्ट में आता है हमारा सोलेराइट, 30% ही इसमें लोहा होता है। समझ में आया? सबसे बेस्ट प्रकृति का लोहा कौन सा होगा? सबसे बेकार प्रकृति का कौन सा होगा? सोलेराइट। क्लियर है? जिले पूछे तो कटनी, मंडला, बालाघाट, ये तीनों हो गए लगभग हमारे पूर्वी जिले। समझ में आ रहा है? कटनी, मंडला, बालाघाट, ईस्टर्न एरिया एमपी का, ये तीनों जिले। फिर आते हैं वेस्टर्न में तो झाबुआ और नॉर्थ में तो ग्वालियर। अब आता है नेक्स्ट, अगला जो हमारा खनिज है उसका नाम है मैग्नीज। मैग्नीज उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान होगा देश में? पहला। याद रखना, मैग्नीज पूरे देश में, पूरे भारत में सर्वाधिक कहां से निकाला जाता है? वो निकाला जाता है मध्य प्रदेश से। कहां से निकाला जाता है? मध्य प्रदेश से। अब मध्य प्रदेश में भी कहां से? बालाघाट जिले से। देश में कौन फेमस है मैग्नीज के लिए? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में कौन सा जिला फेमस है? कौन सा जिला फेमस है? बालाघाट। समझ में आया? और बालाघाट मुख्य रूप से, उसके साथ में छिंदवाड़ा, क्योंकि लगा हुआ क्षेत्र है बालाघाट से। समझ में आ रहा है? बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा लगा हुआ क्षेत्र है,
तो कुछ कुछ मात्रा में मैंगनीज जो है छिंदवाड़ा और शिवनी में भी पाया जाएगा, लेकिन मुख्य रूप से कहाँ होगा? बालाघाट। मध्य प्रदेश से निर्यात कहाँ होता है इसका? तो जर्मनी, ब्रिटेन और रूस, इन मुख्य देशों को सप्लाई किया जाता है जो मैगजीन है, सॉरी मैगनीज है, उसको निकाल के। होटल है क्या? होटल क्लियर? कोई डाउट यहां तक? देश में कौन फेमस होगा मैगनीज के लिए? मध्य प्रदेश, क्योंकि प्रथम स्थान है। तो मध्य प्रदेश में कौन? बालाघाट। और यहीं पर एक जगह है, उसका नाम है भारवेली। कौन सी जगह है? भारवेली। इसमें नहीं दिया है बट नोट डाउन करके लिखो इसको, इंपोर्टेंट करके। भारवेली की खदान, एक जगह है, नाम है भारवेली। यहाँ पर एक खदान है मैगनीज की, इसे कहा जाता है भारवेली की खदान। समझ में आया? सर्वाधिक कोयला, सॉरी सर्वाधिक जो मैगनीज है मध्य प्रदेश में और बालाघाट में, कहां से निकाला जाता है? भारवेली। ये प्रश्न आया हुआ है कि भारवेली की खदान किस लिए विख्यात है, तो किस लिए होगी? मैगनीज उत्पादन के लिए। काफी अधिक मात्रा में मैगनीज निकलता है भारवेली। इस जिले में होगी तो चलो अब इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मध्य प्रदेश का मैगनीज उत्पादन में सर्वाधिक योगदान है, देश में प्रथम है। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि एक फैक्ट मैंने आपके सामने रखा है, वो फैक्ट ये है कि भारत में कितने राज्य हैं टोटल? कितने? 28। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। कितने हो गए टोटल? 36। अब इन 36 में एमपी भी होगा, तो इन 36 राज्यों में मिला करके जितना भी क्या निकलता है, मैगनीज निकलता है, उसका 50% तो मध्य प्रदेश अकेला निकाल देता है। समझ में आ रहा है? 36 में एक हिस्सा अलग कर दें हम एमपी का, तो बाकी के जो 35 राज्य हैं जितना उत्पादन करते हैं मैगनीज का, ठीक है, उन मध्य प्रदेश का कितना करते हैं कंपेयर में? सिर्फ 50। तो मध्य प्रदेश अकेला 50% उत्पादित कर देता है किसको? तो जब 50% फिगर निकल के आ रहा है तो प्रथम होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। तो क्या ये रटने की जरूरत है? नहीं है। क्या देखा हमने सबसे पहले? लो अयस्क देखा। कितने प्रकार देखे उसके? 5। कितने देखे? 4। सबसे बेस्ट जो लोहा होगा कौन सा? सबसे बेकार जो लोहा होगा कौन सा होगा? मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है लोहा उत्पादन में? कौन सा? 5वां। अब हमने देखा मैग्नीज, तो मैग्नीज, ठीक है, सब देश में कौन सा स्थान होगा मध्य प्रदेश का? कौन सा? कितना परसेंटेज में निकाला जाएगा? तो कौन सा जिला फेमस होगा और कौन सी खदान? भारवेली की खदान। क्लियर है? अगला जो खनिज है उसको देखें हम, टंगस्टन। नेक्स्ट जो मिनरल्स होगा, खनिज होगा, वो होगा टंगस्टन। ये मुख्यतः किसका होता है? बुलफॉर्म नामक खनिज से पाया जाता है। टंगस्टन कहां से निकाला जाएगा? बुलफॉर्म या होशंगाबाद के आगर गांव, इसको याद रखना, अंडरलाइन कर लो, इंपोर्टेंट है। होशंगाबाद जिले में एक छोटा सा गांव है आगर गांव, यहां से क्या निकाला जाता है? टंगस्टन। टंगस्टन निकाला जाता है। टंगस्टन किसका पता है? वुल्फ्राम का या वुल्फ्राम का। याद रखना, ये टंगस्टन जो होता है इससे क्या बना जाते हैं? बिजली का जो बल्ब देखा है ना, बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाए जाते हैं। क्लियर? ये वाले, ये जो CFL वगैरह एलईडी आते हैं, ये नहीं,
एलईडी वगैरह जो पहले आते थे येलो कलर में जो जलते थे कांच गोल टाइप के, उनमें जो हाँ 100 वाट का, देखो वाट भी याद है ठीक है, तो उसमें जो लगा रहता है फिलामेंट वो किसका बना होता है, टंगस्टन का। कहाँ पाया जाएगा, आगर गांव होशंगाबाद। अब आता कॉपर, तांबा। देश के कुल तांबा उत्पादन का 22% मध्य प्रदेश उत्पादित करता है तांबे को, पहला इंपोर्टेंट फैक्ट। दूसरा क्षेत्र की बात करें तो बालाघाट जिले की तहसील है वहीहर तहसील की मलाज खंड की खदान। फिर से सुनना, जिला बालाघाट, तहसील वहीहर और खदान का क्या नाम होगा, मलाज खंड। मलाज खंड में क्या पाया जाएगा, तांबा। समझ में आया, मलाज खंड की खदान किस लिए फेमस है, तांबा उत्पादन के लिए। बारबेली की खदान किस लिए फेमस है, मैग्नीज उत्पादन के लिए। दोनों कहाँ पाई जाती हैं, तो बालाघाट जिले में। बालाघाट जिला किस देश में आता है, देख रहे हो, मतलब धुन बंद जाए तो कुछ भी याद नहीं रखना, फिर तो देश ही बना दो मध्य प्रदेश को, प्रश्न भी नहीं सुनना। समझ में आ गया, तो कहाँ होगा, दोनों खदान है, एक मलाजखंड दूसरी भारवेली। मलाजखंड फेमस होगी तांबा के लिए और भारवेली फेमस होगी मैग्नीज के लिए, और दोनों पाए जाएंगी बालाघाट जिले। समझ में आ रहा, मलाजखंड तांबा उत्पादन में एशिया की तीसरी सबसे बड़ी खदान है। अब समझ लो कितना इंपोर्टेंस होगा इसका, मलाजखंड तांबा उत्पादन की दृष्टि से एशिया की कौन सी तीसरी सबसे बड़ी खदान है। मलाजखंड को तांबा नगरी भी कहा जाता है, कॉपर सिटी। किसको कहा जाएगा, मलाजखंड को, किसको, मलाजखंड को। इसके अतिरिक्त जबलपुर, नर्मदापुरम मतलब होशंगाबाद, सिंधी, कटनी की जगह है इमलिया, कौन सी, इमलिया ठीक है। ये सोना के लिए भी प्रसिद्ध है, सोना उत्पादन के लिए इमलिया जी का, अभी मैं पढ़ाऊंगा। तो जबलपुर, नर्मदापुरम, सिंधी, कटनी और उसके साथ में छिंदवाड़ा का चंगल देरी, यहां से भी तांबा का उत्पादन किया जाता है, मुख्य रूप से होगा मलाजखंड। ये तो सहायक की भूमिका अदा कर देते हैं, कौन कौन से जिले, उससे लगे हुए आसपास के जिले, होशंगाबाद, जबलपुर, सिंधी, कटनी और उसके साथ छिंदवाड़ा। कोई डाउट, आगे बढ़ते हैं। बॉक्साइट को देखें तो सबसे पहला याद रखना, जो बॉक्साइट है ये किसका अयस्क होगा, एल्यूमिनियम का, लिखा है इसमें एल्यूमिनियम का क्या है, बॉक्साइट अयस्क है। किसको आप बॉक्साइट कहोगे, ध्यान रखना, 40% से अधिक एल्यूमिनियम, 40% से अधिक एल्यूमिनियम जिसमें पाया जाएगा किसी भी धातु में, सॉरी हाँ किसी भी धातु में या वह धातु जिसमें 40% से क्या अधिक एल्यूमिनियम पाया जाएगा उसको अब एल्यूमिनियम कह करके क्या कहेंगे, हम बॉक्साइट कहेंगे। समझ में आया, उत्पादन तथा भंडारण की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है, 6वां स्थान है। देश के कुल उत्पादन का लगभग 44% कहाँ से उत्पादित होता है, मध्य प्रदेश से। ये फैक्ट को ये क्लियर नहीं है ठीक है, तो देख लेना या मैं बता दूंगा इसको। मध्य प्रदेश में बॉक्साइट का उत्खनन सर्वप्रथम कहां से 1908 में प्रारंभ हुआ, और कहां से प्रारंभ हुआ, कटनी से। समझ में, याद रखना, कटनी, मंडला, बालाघाट, सिंधी, सिंगरौली, ये जो 4-5 जिले मैं बता रहा हूं उसके साथ में जबलपुर, इनको याद रखना है जब हम मध्य प्रदेश का खनिज पढ़े, बहुत महत्वपूर्ण योगदान है इन जिलों का। और एक ही खनिज नहीं, यहां से कई प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जैसे कटनी चूना पत्थर भी पाया जाता है, रॉक फॉस्फेट भी पाया जाता है, उसके साथ साथ में बॉक्साइट भी पाया जाता है।
समझ में आ रहा है? सिंगरौली तांबा भी पाया जाएगा और उसके साथ साथ में कुछ चीजें या कुछ भंडार सोने के भी देखने को मिलते हैं, कोयला भी पाया जाएगा। तो मध्य प्रदेश का जो पूर्वी इलाका है, ईस्टर्न एमपी के जो डिस्ट्रिक्ट हैं, ये 5-6 जिले मैंने बताए हैं, इनको आपको याद रखना है, भले ही अन्य जिले आपको याद ना रहे खनिज के दृष्टि से या खनिज को देखें जब। तो 1908 में क्या निकालना प्रारंभ किया सरकार ने? बॉक्साइट। और कहां से निकालना प्रारंभ किया? कटनी से। कटनी से निकालना चालू किया। तो ये बॉक्साइट जो है, दो जगह फेमस है बॉक्साइट के लिए, एक तो कटनी, क्योंकि कटनी से निकलना प्रारंभ हुआ था, दूसरा बॉक्साइट का उत्पादन के लिए फेमस है कौन सा? हमारा अनूपपुर जिला। कौन सा जिला? अनूपपुर जिला, ये अनूपपुर जिला, ठीक है। और यहां पर जिला जगह है कौन सी? अमरकंटक। इस अमरकंटक से जो भी बॉक्साइट निकाला जाएगा, ध्यान रखना, अनूपपुर जिले की तहसील, सॉरी तहसील नहीं होगी, तहसील तो पुष्प राजगढ़ है, जिला होगा अनूपपुर और जगह का नाम क्या है? अमरकंटक। इस अमरकंटक से जो भी बॉक्साइट निकाला जाएगा ये जाता है रेणुकूट। कहां पर जाता है? रेणुकूट, देखो लिखा हुआ है रेणुकूट जाता है, और ये है यूपी में। यहां पर एक संयंत्र लगा हुआ है, उस संयंत्र को बॉक्साइट की सप्लाई कहां से होती है? रेणुकूट संयंत्र नाम है। इस रेणुकूट संयंत्र जो कि यूपी में लगा हुआ है, इसको बॉक्साइट की सप्लाई कहां से होती है? अमरकंटक से जो बॉक्साइट निकलता है। याद रखना, यह प्रश्न पूछा जा चुका है पिछली परीक्षाओं में कि रेणुकूट संयंत्र के लिए बॉक्साइट की आपूर्ति किस जगह से होती है, तो अनूपपुर जिला पूछ ले तो अनूपपुर, अनूपपुर नहीं देगा तो आपको ऑप्शन में अमरकंटक मिले। क्लियर है? कोई डाउट? अब आते हैं इसके अलावा क्षेत्र की बात करूं तो जबलपुर, कटनी, शहडोल, सतना एंड मंडला, ये जगह है कटनी और अनूपपुर के अलावा जहां पर क्या पाया जाएगा? बॉक्साइट मिलेगा हमें देखने को। नहीं, जिला नहीं। हाँ, जगह का नाम है रेणु। अब बचा हमारा नेक्स्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट, कौन सा, कौन सी कैटेगरी में रखा था? ऊर्जा खनिज, और उसमें पढ़ेंगे हम कोयला और थोड़ा उसको डिटेल में देखेंगे। समझ में आ रहा है? क्योंकि मध्य प्रदेश में काफी प्रचुर मात्रा में कोयले का उत्पादन होता है और कई सारी साइट्स हैं मध्य प्रदेश में जहां से कोयला का उत्पादन होता है, तो उनके एक मैप के थ्रू भी और उन जगह को भी और जो इंपोर्टेंट फैक्ट होंगे उनको देखेंगे। समझ में आया? क्लियर? कोयला पढ़ेंगे कल, थोड़ा सा क्विक छोटा सा रिवीजन करते हैं, ठीक है, 5 मिनट का समय लेते हैं। सब कॉपी किताब सब बंद करो, जो अभी तक दिमाग में भर के रखा है उसी को यहाँ पर रिवीजन में निकालना। समझ में आया? और बाकी देख के घर पर पढ़ लेना। तो सबसे पहले क्या देखा था हमने? मध्य प्रदेश में खनिज की चर्चा की हमने, मध्य प्रदेश में खनिजों की बात की, और खनिजों की बात जो वन लाइन फैक्ट है ना, उनको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं पहले। तो मध्य प्रदेश में खनिज विकास निगम की स्थापना कब की गई? खनिज विकास निगम, ठीक है, 19 जनवरी 1962 को क्या किया गया, इसकी स्थापना की गई। अब भाई फिर क्या हुआ कि सरकार ने इसके साथ साथ में बाद में एक पॉलिसी बनाई, किसके लिए? खनिजों के लिए, और इस निगम में सुधार किया। उस खनिज नीति जो अस्तित्व में आई वो कौन सा वर्ष था? कौन सा? 1995। और लगभग कितने समय बाद सुधार किया? नवीन खनिज नीति, नवीन खनिज नीति मतलब जो पुरानी खनिज नीति थी उसको सुधार करके 2010 में लाई गई नवीन खनिज नीति मध्य प्रदेश शासन द्वारा। ये देखा हमने, तो सबसे पहले वन लाइन फैक्ट, फिर देखते हैं हमने डायरेक्ट हम गए कहां पर, हमारा खनिज जो है उनके क्लासिफिकेशन पे। कितनी कैटेगरी देखी हमने? 5 कैटेगरी देखी, कैटेगरी 5। सबसे पहले कौन से थे? धात्विक, उसके साथ अधात्विक, अधात्विक के बाद
आणविक, फिर ऊर्जा एंड लास्ट में अन्य। अब सबसे पहले हमने खनिजों को पढ़ना शुरू किया, तो पहला खनिज हमने कौन सा पढ़ा था? लोहा। लोहा पढ़ा, लोहा में देखा कि सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है, तो मध्य प्रदेश का कौन सा जिला होगा? पांच जिले बताए थे, कितने जिले बताए थे? पांच, जिसमें कौन सा होगा? कटनी और मंडला। अब ये तो हो गया पूर्वी साइड के। देखो जब बकेट में चीजें आती हैं ना हमारे बल्क में बहुत सारी, तो उनको तोड़ के याद किया करो। तो मैंने एक आपको ट्रिक बताई थी कि जो पूर्वी हिस्सा है सबसे पहले उसके जिले, उसके बाद में हम सीधा जाएंगे पश्चिम की तरफ, तो कौन सा जिला मिलता है हमें? कौन सा जिला मिलता है? और उत्तर की तरफ जाएंगे तो ग्वालियर। अब बताओ याद करने में आसानी हुई कि नहीं हुई ना? तो ये पांच जिले हो गए, और इन पांच जिलों की अगर हम बात करें तो लोहा, और लोहा मुख्य रूप से कितने प्रकार बताए मैंने? चार। सबसे अच्छा लोहा कौन सा होगा? सबसे अच्छा लोहा हेमेटाइट, और सबसे बेकार लोहा जो होगा कौन सा? ठीक है, फिर कौन सा अयस्क देखा हमने? दूसरा देखा था, दूसरा कौन सा देखा था? मैग्नीज। देश में सर्वप्रथम मैग्नीज सबसे ज्यादा कहां निकाला जाएगा? तो मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में जिला की बात करें तो कौन सा जिला होगा? बालाघाट। और इसमें भी बालाघाट में खदान की बात करें तो हारवेली की खदान। कोई डाउट? कितना निकाला जाएगा मैग्नीज टोटल? पूरे देश में जितना निकलेगा उतना 50% कहां से निकलेगा? मध्य प्रदेश। अब यहाँ ये मत कह देना कि टोटल एमपी से जितना निकलेगा साहब उसका 50% बालाघाट से निकलेगा, नहीं निकलेगा। अरे उसके आसपास के जिले से भी तो निकलता है, तो 50% कहां से निकलेगा? मध्य प्रदेश से। मतलब हो सकता है परसेंटेज वाकई में बालाघाट का ज्यादा होगा, लेकिन कुछ ना कुछ योगदान किसका होगा? जो सहयोगी जिले। फिर अगला हमने कौन सा देखा? कौन सा अयस्क था? टंगस्टन। तो इसके बारे में ज्यादा याद नहीं रखना है, सबसे पहले मिलने का स्थान। तो गांव कौन सा था? कौन सा? अब यहाँ कंफ्यूज मत, आगर मालवा जिला लिखा हो, ठीक है? तो कौन सा होगा? आगर गांव, और जिला होगा नर्मदापुरम। समझ में आया? जब गौ अभ्यारण की बात होगी तो पकड़ लेंगे हम आगर मालवा को, सुसनेर तहसील को। और गांव कौन सा होगा? हाँ मतलब याद है, ठीक है कल का। और अगर टंगस्टन की बात होगी तो गांव कौन सा? अगर जिला कौन सा होगा? किसका अयस्क है ये? और इससे क्या होता है? बल्ब के फिलामेंट। नेक्स्ट फिर हमने देखा अगला जो अयस्क था हमारा, अगला जो खनिज था कौन सा था? कॉपर या तांबा सर्वाधिक। कौन सा जिला? फिर से बालाघाट, फिर से बालाघाट। मध्य प्रदेश का देश में स्थान तांबा उत्पादन में कौन सा? हाँ होगा। देखो क्या क्या लिखवाया, देखो कितना लिखवाया है। और देश में अभी तक नहीं ढूंढ पाए। क्यों अरविंद भाई? हाँ समझ में आया, ये डाउट अब नहीं भूलोगे। क्लियर है? तो तांबा की बात करें तो जिला कौन सा होगा? बालाघाट। अच्छा इसके लिए कौन सी, आपको पता तांबा नगरी किसको कहा जाता है? अभी बताया था ना, मलाजखंड। ठीक है, कॉपर सिटी मलाजखंड। तो समझ में आया, बारबेली मतलब नहीं।
मलाजखंड मतलब, समझ में आया। अब इतने सब चीजों में दो चीजें हमने कॉमन निकाली हैं कि बालाघाट दो प्रमुख खनिज के प्रसिद्ध है पूरे देश में, मध्य प्रदेश छोड़िए पूरे देश में प्रसिद्ध। पहला कौन सा होगा? मैग्नीज। और दूसरा, तो याद रखना कि जब भी मैग्नीज, जब भी तांबा या कॉपर की बात होगी, सबसे पहले आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए जिला बालाघाट। ठीक है, तांबा के उपयोग तो सब जानते होंगे, कॉपर वगैरह जो बिजली संयंत्र जो होते हैं, ठीक है, उनमें तांबा का उपयोग किया जाता है। उसके बाद में बर्तन जो होते हैं, ठीक है, बर्तन देखें तांबे के, तो बर्तन उद्योग में भी तांबे का क्या किया जाता है, मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है, काफी अच्छा माना जाता है तांबे का प्रयोग इस वाले क्षेत्र में। क्लियर, कल से शुरू करेंगे कोल फील्ड मध्य प्रदेश में कोयला क्षेत्र। ठीक है, मिलते हैं फिर कल।